तो गाजा की जंग अब ईरान और अमेरिका के युद्ध में भी बदलती दिख रही है। क्यों, आपको अभी पता चलेगा। हमास के खिलाफ जंग के दूसरे संस्करण की शुरुआत से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल में थे। यहां उन्होंने इजरायली वॉर कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लिया, प्रधानमंत्री समेत सारे बड़े मंत्रियों और विपक्ष के नेता से मुलाकात की, खुद इसकी तस्वीरें शेयर की और फिर यूएई रवाना हो गए। युद्ध के बीच अमेरिकी नेताओं के इजराइल दौरे से ऐसा लगता है कि वो इजराइल पहुंचकर उसके युद्ध का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। ब्लिंकन हर हफ्ते हर 10 दिन के बाद वहां पहुंचते हैं और उसके बाद युद्ध में कुछ नया मोड़ आता है, नई रणनीति जैसे वो बनाते हैं, आदेश देते हैं और फिर मध्य पूर्व के अरब देशों की यात्रा पर रवाना हो जाते हैं। अमेरिका के विरोधी तो ये भी कहते हैं कि लगता ऐसा है जैसे अमेरिका ने इजराइल को अरब की तबाही का ठेका दिया हो और अरब की तबाही के लिए इजराइल को किराए पर ले लिया हो। इजराइल और हमास में 7 दिन के युद्ध विराम के बाद युद्ध दोबारा शुरू हो चुका है। युद्ध विराम में खतर का बड़ा रोल था, लेकिन युद्ध विराम आगे नहीं बढ़ा तो अब खबर है कि अमेरिका खतर से नाराज हो गया है। अभी कतर में ही हमास का हेडक्वार्टर है। कतर की राजधानी दोहा में ही इस्माइल हानिया समेत हमास के टॉप लीडर्स, बड़े नेता वहां रहते हैं और मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य बेस भी कतर ही है। अब अमेरिका ने कतर को दोहा से हमास का हेडक्वार्टर हटाने का आदेश दिया है और ऐसा नहीं करने पर अमेरिका ने कतर को गैर नेटो सहयोगी का दर्जा छीनने और आतंकवाद के मददगार का तमगा देने की चेतावनी दी है। ऐसे में अब चर्चा है कि हमास का हेडक्वार्टर कतर से ईरान शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि हमास का सबसे बड़ा समर्थक ईरान है और ऐसे में अगर ऐसा हुआ तो क्या इराक और अफगानिस्तान की तरह ईरान पर भी अमेरिका सीधा हमला करेगा? यह बड़ा सवाल है। जनरल अस्थाना, आपको लगता है कि यह वाकई अमेरिका का मिशन ईरान है जो वाया गाजा वो पूरा कर रहे हैं? देखिए, अमेरिका का कतर से नाराज होना जायज है, क्योंकि कतर ने पहले भी हमस की मदद की है और उनका हेडक्वार्टर उधर है, तो इसलिए अमेरिका की चेतावनी जो है वो इस किस्म से है। और कतर के लिए भी, हमस के लिए भी ईरान से अच्छी कोई जगह नहीं है। लेकिन इतना मैं नहीं, इसको थोड़ा प्रीमैच्योरली कहा जाएगा कि अमेरिका ईरान से लड़ने की चाहत रखता है, क्योंकि ईरान से लड़ना उसके हक में नहीं है और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ईरान में इस समय इन्वॉल्व होना चाहेगा। जबकि यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इजराइल हमस लड़ाई ऑलरेडी चल रही है और खाड़ी की लड़ाई एक नए उसका एक नया एंगल है और उसके नए डायमेंशन है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ तक अमेरिका जाना चाहेगा। लेकिन जहाँ तक कतर का सवाल है, कतर को भी अभी थोड़ी नाउम्मीदी हुई है, क्योंकि उसकी जो मध्यस्थता है उसके ऊपर भी सवालिया निशान लग गया है, क्योंकि वो आगे बढ़ नहीं पाई ठीक से। और अभी जो उसने जो ये लड़ाई की जो गति आगे चल रही है, इसमें अब ये मुसीबत ये है कि एक बार लड़ाई शुरू होती है तो ये कहना कि भाई आप सिविलियन कैजुअल्टी कम हो, ये मुश्किल हो जाता है। और अगर ठीक है, लेकिन जनरल अस्थाना, आपने कहा कि लड़ाई अमेरिका के हक में नहीं है। अक्सर कहते हैं कि लड़ाई तो किसी के हक में नहीं होती सर, लेकिन लड़ाई तो फिर भी होती है। लेकिन चलिए, मैं आता हूं आपके पास, आपसे और बात करूंगा। लेकिन इसी बीच देखिए, एक तस्वीर आ रही है। साउथ गाजा में सुरंग के ऊपर इमारत पर अटैक हुआ है और वो तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूं। वो तस्वीर देखिए, सुरंग एक बार फिर से सुर्खियों में। साउथ गाजा में सुरंग के ऊपर इमारत पर अटैक, यानी इजराइल ने ये टारगेट किया कि इस इमारत को इसलिए गिराना है क्योंकि इसके नीचे हमास की सुरंग है। और उसके बाद टारगेटेड अटैक किया गया और इमारत पर कैसे हमला किया इजराइल ने, आप इन तस्वीरों में देखिए। ये साउथ गाजा है, ये नॉर्थ गाजा नहीं है। नॉर्थ गाजा में तो ऐसे बहुत कम इलाके बचे होंगे जहां इस तरह की आपको इमारतें दिखेंगी, क्योंकि भीषण बमबारी से हजारों इमारत, लाखों इमारतों को नुकसान पहुंचा है। और अब आपको इस युद्ध की सबसे विचित्र तस्वीर दिखाएंगे, सबसे विचित्र, जिसमें पूरी इमारत खड़ी है, लेकिन वहां पर जैसे इजराइल का अटैक सामने आया, आप देखिए टारगेटेड अटैक की अलग रणनीति, पूरी इमारत खड़ी है लेकिन दो फ्लोर, आप देखिएगा कैसे एक फ्लोर केवल उड़ा दिया यहां पर इजराइल ने। मतलब ऊपर का फ्लोर है, नीचे का फ्लोर है और बीच का आप देखिए फ्लोर गायब है। ये इजराइल का प्रिसिशन देखिए, ये कैसे, मतलब समझ में नहीं आ रहा। ऊपर का फ्लोर है, नीचे का फ्लोर है और बीच का फ्लोर इजराइल ने उड़ा दिया। ये कौन सी टारगेटेड अटैक की तकनीक है जनरल ब्रजेश कुमार, ये आपको समझ में आ रहा है? देखिए, ये कुछ अजीबो गरीब चीज़ें नज़र आएंगी हमको फिल्म के ज़रिए, जो हम फोटोग्राफिक करते हैं या उसको हम रिपोर्ट पेश करते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है
सात दिन के युद्ध विराम के बाद में हमास को एक थोड़ा एडवांटेज टैक्टिकल लेवल पे मिल जाता है। ओके, वो क्या है? एक तो मोमेंटम जो अटैक का था उनके 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 विरुद्ध वो थम गया। दूसरा, उनको समय मिल जाता है अपने रीऑर्गेनाइज करने में। बिल्कुल। तीसरा, अपने जो लोग हैं उनको इकट्ठा करके अगर नॉर्थ गाजा विध्वंस हो चुका है तो साउथ गाजा में ले आने का, ठीक है, अपनी रसद सामग्री और मनोबल वगैरह भी इकट्ठा करते हैं। तो आपने जो देखा कि जो लड़ाई शुरू हुई अभी सात दिन के बाद, तो पहला तो जरूर उन्होंने इसराइल ने नॉर्दर्न गाजा पे हमला किया, लेकिन उनका ध्यान है सेंट्रल या साउथ गाजा के ऊपर, जहां ऐसा माना जाता है कि जितने हमास योद्धा हैं वहां उन सुरंगों में छिपे हुए हैं। ठीक है, नॉर्थ की सुरंगों को देखा गया है, डिस्ट्रॉय किया गया है, और इस सात दिनों के अंदर इसराइल ने भी काफी इंटेलिजेंस हासिल। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, लेकिन एक और ग्राफिकल रिपोर्ट में दिखाना चाहता हूं जल्दी से, क्योंकि समय कम है। ऊपर हमने अपने दर्शकों को पांच बयान दिखाए थे और उसके साथ ही गाजा में जो हालात है वो भी हम लगातार बता रहे हैं कि युद्ध सिर्फ गाजा तक ही नहीं है, अब ये युद्ध चारों ओर है, जिसमें इसराइल हमास और हिजबुल्ला से तो लड़ ही रहा है, साथ ही हूती को भी टारगेट कर रहा है। यमन की राजधानी सना में हूती के हथियार स्टोर पर इसराइल ने स्ट्राइक कर उसे तबाह कर दिया, तो वही हूती के ड्रोन को भी मार गिराया है। तो आईडीएफ हमास से भी लड़ रही है, इसराइल से भी लड़ रही है, और हूती पर भी अब उसने टारगेट करना शुरू कर दिया है। हिजबुल्ला से तो पहले ही उनकी लड़ाई हो रही है। ये आप जो देख रहे हैं ये बताता है आपको कि चारों ओर युद्ध इस वक्त जो हो रहा है उसमें इसराइल लगातार लगा हुआ है, लगातार उलझा हुआ है, और उसके बावजूद वो इनसे मोर्चेबंदी पर लगा उनसे मोर्चा ले रहा है। लेकिन युद्ध में तबाही के नंबर आपको जल्दी से दिखा देते हैं। देखिए 50 से ज्यादा मौत अगर बात करें तो हो चुकी है केवल आज युद्ध विराम के बाद, लेकिन 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत अभी तक 7 अक्टूबर के बाद इस युद्ध में हुई है, उसमें 6,000 से ज्यादा तो बच्चे हैं, 58 पत्रकारों की मौत हुई है, 18 लाख फिलिस्तीनी बेघर हो गए हैं, 110 हमास ने बंधक छोड़े हैं अभी तक, और 137 हमास के कब्जे में बंधक अभी भी हैं। ये अभी तक इस युद्ध के नंबर हैं, और ये बताते हैं कि ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि और भीषणता के साथ फिर से इसराइल ने शुरू कर दिया है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, समय खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। शो थैंक यू।